पूरा देश में आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और पहली प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती मनाई जा रही है। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री समेत कई राजनेता बापू और शास्त्री जी ने श्रद्धांजलि दी। प्रदेश भर में विश्व अहिंसा दिवस का रूप में गांधी जयंती मनाई जा रही है। जयपुरा सवाई मानसिंह स्टेडियम में सर्वधर्म प्रार्थना सभा रखी गई। राज्यपाल और मुख्यमंत्री प्रदेशवासियों ने शुभकामनाएं दी। जल शक्ति मंत्रालय कानीसू नई दिल्ली में स्वच्छ भारत दिवस समारोह रखो गयो। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण और जल जीवन मिशन में चोखा काम करने वाला ने पुरस्कार दीना। राज्य सरकार महात्मा गांधी की जयंती माथे प्रदेशवासियों ने दी नई सौगात। शांति और अहिंसा महकमा रो करियो गयो गठन। अषाढ़ीय नवरात्रा रो आज सातवो दिन। देवी मारा सातवां स्वरूप काल रात्रि री घरा और मंदिरा माए उपासना करी जा रही है। नमस्कार, समाचार माए आपरो स्वागत है और अब समाचार विस्तार सु। पूरा देश माए आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी री जयंती मनाई जा रही है। कृतज्ञ राष्ट्र बापू ने वारी जयंती माथे नमन करियो है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत कई राजनेता बापू ने श्रद्धांजलि देर वाने याद करिया। इन मौके सर्वधर्म प्रार्थना सभा रखी गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गांधी जी की जयंती माथे वांसू जुड़ियो एक वीडियो साझो करिया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राजघाट जाकर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की समाधि पर पुष्पांजलि अर्पित की। अहिंसा के पुजारी महात्मा गांधी जी की समाधि स्थल पर सर्वधर्म प्रार्थना सभा का आयोजन हुआ। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू इसमें मौजूद रही। والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين هريانم ओम नमो वज्रायणम नमो लोय सदा वसंत। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की 153वीं जयंती पर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने राजघाट पर श्रद्धांजलि अर्पित की। हृदयहस्त स्नेह का है तू ही उनका सहायक और स्वामी सर्वदा है तू ही उनका सहायक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजघाट पर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को श्रद्धा सुमन अर्पित किए। देशभर में आज पहली प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती भी मनाई जा रही है। इन मौके राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत कई लोग विजय घाट माथे पाने श्रद्धांजलि दीना। शास्त्री जी सादगी और ईमानदारी री मिसाल हा। वणा देशरो नेतृत्व कुशलता साथे करिया। इन मौका माथे प्रधानमंत्री शास्त्री जी ने याद करता थका एक वीडियो जारी करिया। पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने विजय घाट पर शास्त्री जी को श्रद्धांजलि दी। जय
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल बहादुर शास्त्री की जयंती पर उन्हें विजय घाट पर श्रद्धांजलि दी। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती और विश्व अहिंसा दिवस रे मौके राज्य स्तरीय जलसो जयपुर सवाई मानसिंह स्टेडियम में राखियो गयो। कार्यक्रम रा मुख्य अतिथि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, कला और शिक्षा मंत्री डॉ बीडी कल्ला, कृषि मंत्री लालचंद कटारिया, उद्योग मंत्री शकुंतला रावत समेत कई प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रिया। इन दौरान कला, साहित्य, संस्कृति, पुरातत्व महकमा कानेउ, सर्वधर्म प्रार्थना सभा और गांधी सद्भावना सम्मान जलसो राखियो गयो। जलसा माए अमरनाथ भाई, डी आर मेहता, कुमार प्रशांत ने गांधीवादी विचारक सम्मान सु सम्मानित करिया। इन मौके मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कया के आज पूरो विश्व अहिंसा दिवस रा रूप में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने याद करियो है। वे गांधीवादी विचारधारा ने अपना बामाथे जोर दिया। पठी ने स्कूली टाबर भी प्रार्थना सभा में महात्मा गांधी ने याद करिया। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत शासन सचिवालय में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की प्रतिमा माथे फूल चढ़ाया। इन मौके कैबिनेट मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास, महिला और बाल विकास मंत्री ममता भूपेश और उद्योग मंत्री शकुंतला रावत समेत कई लोग मौजूद रिया। गांधी थे जिनके लिए आइंस्टीन ने कहा था कि एक ऐसा ये महापुरुष आया है धरती पर, आने वाली पीढ़ियां विश्वास नहीं करेगी कि कोई हार्ड मांस का आदमी इस धरती पर चला गया है। उस महात्मा गांधी जयंती मना रहे थे, हमें तो गर्व है कि हम उस रास्ते पर चलना चाहते हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जयपुर माए गांधी सर्कल माथे महात्मा गांधी की जयंती रे मौके बापू री प्रतिमा माथे फूल चढ़ाया। इन मौके वे कया के राज्य में शांति और सद्भावना रो माहौल बनायो रहनो चाहिए। इन मौके उद्योग मंत्री शकुंतला रावत गांधी जी रा जीवन माथे प्रकाश डालियो। राज्यपाल कलराज मिश्र और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और पहले रा प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री री जयंती माथे प्रदेशवासियों ने शुभकामना दी है। राज्यपाल आपरा संदेश माए कया के महाने बापू रा बताया रास्ता माथे चालनो चाहिए। बटे ही मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कया के गांधी जी रा विचार और सिद्धांता ने महाने जीवन माए उतारनो चाहिए। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी री जयंती रे मौके राजस्थान विश्वविद्यालय रा गांधी अध्ययन केंद्र माए विश्व शांति राह गांधी विषय माथे कार्यक्रम राख्यो गयो। कार्यक्रम माए गांधीवादी विचारक प्रोफेसर विद्या जैन आपरा विचार राख्या। कुलपति प्रोफेसर राजीव जैन भी गांधी जी रा आदर्श ने आत्मसात करबाने कया। गांधी अध्ययन केंद्र है और 1985 से वर्किंग कर रहा है और इसी के तत्वाधान में 2 अक्टूबर को हर वर्ष गांधी जयंती का प्रोग्राम किया जाता है। यहाँ पर अध्ययन के अलावा इसकी विजिट कराई जाती है। यहाँ पर लाइब्रेरी और ये अध्ययन केंद्र एक वास्तव में देखने का या समझने का, गांधी जी को समझने का एक बहुत एक अच्छा अवसर है। यहाँ पर बाहर से भी आते हैं, राजस्थान विश्वविद्यालय के अंतर्गत यहाँ भी सभी लोग इससे बड़े लाभान्वित हैं। महात्मा गांधी री जयंती माथे आज जोधपुर में जिला स्तर कार्यक्रम उम्मीद स्टेडियम में राखियो गयो। इन मौके गांधी जी री प्रतिमा माथे फूल चढ़ाया गया और प्रार्थना सभा राखी गई। कार्यक्रम में सरकारी और गैर सरकारी स्कूल आरा पढ़रिया, एनसीसी कैडेट्स और स्काउट गाइड भाग लेना।
आज हम सब महात्मा गांधी जी की जयंती पूरे देश में ही नहीं पूरे विश्व के अंदर धूमधाम से मना रहे हैं। महात्मा गांधी ने अहिंसा परो धर्म के नाम पर विश्व के मानवता को एक संदेश दिया। हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने अंत्योदय के नाम पर समाज की अंतिम पंक्ति में खड़ा व्यक्ति का कैसे सम्मान मिले, उसको राष्ट्रीय विकास में उसको किस तरह जोड़ा जाए, इस तरह से हम आत्मनिर्भर भारत की जो कल्पना करते हैं वो महात्मा गांधी की देन है। 2 अक्टूबर हमारे राष्ट्रपिता स्वर्गीय महात्मा गांधी जी की और हमारे पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती है। हम उनको सत-सत नमन करते हैं। वास्तव में अहिंसात्मक तरीके से उन्होंने जो भारत को आज़ादी दिलाई, आज पूरे विश्व में राष्ट्रपिता के नाम से जाने जाने वाले हमारे बापू, जिन्होंने देश को अमन चैन और एकता के लिए अपनी जान गंवा दी, देश को एक और अखंड रखने के लिए अपनी जान गंवा दी, जो हमारे लाल बहादुर शास्त्री थे पूर्व प्रधानमंत्री, उन्होंने जय जवान जय किसान का नारा दिया और इस देश को एक ऐसी ऊंचाई पर लेके गए जिसमें आज पूरा विश्व गर्व करता है। जिला स्तर जोधपुर पर आज ये कार्यक्रम आयोजित किया गया, जहाँ पर बच्चे, शिक्षक, सभी लोग, प्रशासनिक अधिकारी और जनप्रतिनिधि सभी लोग शामिल हुए हैं। आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी और भारत के पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी की जन्मतिथि है और ये राज्य सरकार का और जिला प्रशासन के द्वारा आज एक इस प्रकार का जिला स्तरीय प्रोग्राम किया गया है। मैं समझता हूँ कि इससे पूरे बच्चों में, एक आम जनता में एक बहुत सकारात्मक मैसेज जाएगा और गांधी जी के जो विचार हैं वो आज बहुत प्रासंगिक हैं और उनको आज हमने याद किया है, उनको नमन किया है। आज इस गांधी जयंती के पर्व पे बहुत हर्षोल्लास के साथ यहाँ स्टेडियम में मनाया गया और गांधी जी की शिक्षा, जो आप सबको पता है कि सब धर्म को समानता दी गई उन्होंने और सब प्रतिनिधि जितने भी जनमानस है वो सब एक समान रहे, इसी का संदेश उन्होंने दिया और गांधी दर्शन के तहत उन्होंने जो संदेश दिया है हमें उसका आज के दिन पालन करना चाहिए। आज के दिन हमें शास्त्री जी को भी नहीं भूलना चाहिए कि आज उनका भी जन्मदिन है। जल शक्ति मंत्रालय कानीसू आज स्वच्छ भारत दिवस जल सुराख्यो जा रियो है। इन मौके दिल्ली रा विज्ञान भवन माए जल सुराख्यो गयो। कार्यक्रम में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू बरस 2022 रा स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण स्वच्छता ही सेवा सुजलम प्रथम और द्वितीय चरण जल जीवन मिशन कार्यक्षमता मूल्यांकन हर घर जल प्रमाणन और स्टार्टअप ग्रेड चैलेंज पुरस्कार प्रदान करिया। हार्दिक शुभकामनाएं। आज सुबह ही महात्मा गांधी के स्मारक स्थल राजघाट पर मैंने राष्ट्रपिता का श्रद्धांजलि दी। गांधी जी की याद से जुड़े किसी भी स्मारक स्थल पर जाना एक तीर्थ यात्री जैसे होता है। उनके विचार शाश्वत है। सत्य और अहिंसा की तरह स्वच्छता पर भी उनका आग्रह था। उनके जन्मदिन को स्वच्छ भारत मिशन के रूप में मनाना उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि है। गांधी जी के किसी भी कार्य का समाज पर व्यापक असर होता है। स्वच्छता पर उनका आग्रह भी सामाजिक विकृति को दूर करने और नई भारत के निर्माण हेतु था। स्वच्छता उनकी राजनीति भी थी और शासन भी और आध्यात्मिक भी। एक स्वच्छ समाज की नींव स्वच्छता के जरिए ही डाली जा सकती है। ऐसे अनगिनत उदाहरण गांधी जी के जीवन में है जिनसे स्वच्छता की नई परिभाषा हम दे सकते हैं। मित्रों, आज का दिन भारत के इतिहास में एक विशेष महत्ता का दिन रहा है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की जयंती, उस महामना की जयंती जिसने आत्म विकास के साथ साथ में राष्ट्र के समग्र विकास में स्वच्छता को पहली पायदान पर रखा। उनका जन्मदिवस होने के साथ साथ आज भारत के प्रधानमंत्री, पूर्व प्रधानमंत्री श्रद्धेय लाल बहादुर शास्त्री जी का भी जन्मदिवस है।
निश्चित रूप से आज का ये दिन इतिहास में महत्वपूर्ण था, लेकिन इसकी महत्ता भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने और भी अधिक ऊंचाई प्रदान करते हुए आज के दिन को महात्मा गांधी जी को समर्पित करते हुए स्वच्छता दिवस के रूप में मनाने का ऐसा निर्णय किया था। राज्य सरकार महात्मा गांधी की जयंती माथे प्रदेशवासियों ने शांति और अहिंसा विभाग रा रूप में नई सौगात दी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत काने इन निदेशालय ने विभाग बनावारी घोषणा रे पछे राज्य कैबिनेट में लिया गया प्रस्ताव ने राज्यपाल कलराज मिश्र मंजूरी दी। इन विभाग रे जरिए शांति और अहिंसा रा विचार रो प्रचार प्रसार महात्मा गांधी समेत न्यारा न्यारा महापुरुष शहीद और स्वतंत्रता सेनानी शांति और सद्भाव और सामाजिक एकता सु संबंधित कार्यक्रम राख्या जावेला। पहले बना दे निदेशालय, अब बना दे उसको विभाग। एक मैसेज भी जाता पब्लिक के अंदर भी, सरकार क्या चाहती है? शांति सद्भावना प्यार मोहब्बत रहे, आपस के अंदर भाईचारा रहे, यही हमारी थीम है और उसी थीम को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। अब विभाग बनने के बाद में और अच्छे प्रभावशाली ढंग से काम हो पाएगा। हम चाहते हैं कि राजस्थान में जो भावना हमारी है, सरकार की है, उसी के आधार पर आगे बढ़े। राजधानी जयपुर रा खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड परिसर में गांधी जयंती रे मौके 10 दिन री खादी प्रदर्शनी री शुरुआत भी। प्रदर्शनी रो उद्घाटन उद्योग मंत्री शकुंतला रावत और खादी ग्रामोद्योग बोर्ड रा अध्यक्ष ब्रज किशोर शर्मा किया। इन मौके उद्योग मंत्री कया के खादी ग्रामोद्योग ने माली रूप से मजबूत बनावारी कोशिश चाल रही है। इन मौके वणा खादी समितिया ने 100 कंप्यूटर भेंट दीना। जी ने कत्तिल बुलकर कामगारों को जो 18-19 करोड़ रुपए का एक्स्ट्रा बेनिफिट दिया है, वो हमेशा जो कत्तिल बुलकर कामगार खादी के जो साथी हैं वो इस बात को भुला नहीं सकते। और हमारे बोर्ड के खादी की बोर्ड की पहली मीटिंग में खादी बोर्ड की पहली मीटिंग में हमने 17 ग्राम उद्योगों को प्रोत्साहन हमको एक्सेप्ट किया है बोर्ड ने, और उसमें 17 ग्राम उद्योगों में मेनली जो मैं निवेदन कर रहा हूँ, तेल घाणा है, मसाला उद्योग है, चर्म उद्योग है, फर्नीचर उद्योग है, स्टील फर्नीचर है, और बहुत शहद का उद्योग है और चर्म उद्योग है, बहुत से चीज़ों को हमने इंक्लूड किया है। जो कि गांधी जी की पसंद थी खादी, उसी दिन उनकी जयंती के दिन हमारे आज ये कंप्यूटरीकरण का जो सपना राजस्थान के मुख्यमंत्री महोदय ने सभी संस्थाओं को निशुल्क बांटने का जो ऐलान किया था, जो हमने घोषणा करी थी, वो पूरी होने की है। आज सम्माननीय अध्यक्ष महोदय ब्रज किशोर जी के यहाँ इन्होंने इन्हीं की सलाह थी कि हमारा यहीं पर हमें एग्जीबिशन लगानी चाहिए, क्योंकि अपना ऑफिस है यहीं पर, खादी बोर्ड का जगह भी पड़ी हुई है, तो यहीं पर करना चाहिए, ये सराहनीय कदम है। आज एग्जीबिशन लगा है खादी का, तो सोच रहे कुछ लेने का, देख रहे खादी पहनने के लिए अच्छा होता है ना, तो देखने के लिए आए हम लोग। पहनने में कंफर्टेबल रहता है और केमिकल फ्री होता है, गर्मी में ठंडा रहता है कपड़ा इसका। और अब गांधी जयंती रे मौके राखी गई सर्वधर्म प्रार्थना सभा खातर सजीव प्रसारण खातर चाला हां सीधा दिल्ली। Thank you.
अब है बाकी री खबर। बूंदी माए राष्ट्रपिता महात्मा गांधी री जयंती और पहली रा प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री री जयंती रे मौके जिला भर माए कई कार्यक्रम राख्या गया। जिला स्तरीय खास कार्यक्रम खेल संकुल परिसर माए करियो गयो। इन मौके सर्वधर्म सभा राखी गई। समारोह माए बेहतरीन बूंदी अभियान और स्वच्छ भारत मिशन रे तहत चौखा काम करबा वाला अधिकारियां जनप्रतिनिधियां कर्मचारियां और संस्थावां ने सम्मानित करियो गयो। गांधी जी शाश्वत सत्य है, उनके कारण ही देश आजाद हुआ है। प्रमुख कारण वो था, हम देश की जनता को साथ लेकर के त्यागी तपस्वी महापुरुष थे, आम जन के प्रति अपनत्व रखने वाले थे और देश को सुरक्षित करने के लिए, देश के बेरोजगारों को रोजगार देने के लिए उद्योग धंधे कैसे बढ़े, हमारी स्वदेशी चीज़ों का कैसे हो उपयोग, एक धोती में जीवन गुजारा, ऐसा व्यक्ति विश्व में नहीं है। बड़ा हर्ष का विषय है कि 2 अक्टूबर के ऊपर जो सर्वधर्म संभाव की और हमारी जो भावना है उसको लेते हुए ये आज बड़ा फंक्शन यहाँ पे किया। इसके अलावा हर ग्राम पंचायत पे, हर उपखंड स्तर पर भी प्रोग्राम किए जा रहे हैं। आज चिरंजीवी चौपाल भी है, उसके माध्यम से हर गांव में, हर गली, हर घर तक, हर विद्यालय में आज गांधी जी के संदेश को पहुंचाने की जो ये कवायद है, और कार्य करने वालों को भी सम्मानित बिल्कुल सम्मानित किया गया है और आगे भी जो भी अच्छा काम करेगा उसको प्रोत्साहित करने की मंशा रहती है तो उस पर काम किया जाएगा। महात्मा गांधी री जयंती रे मौके स्वच्छ भारत विशेष अभियान चलायो जा रही है। करीब 1 माह ताई चालबा वाला इन अभियान रे तहत सरकारी कार्यालय और सार्वजनिक ठोरा माथे साफ सफाई अभियान चलायो जावेला। इन्हीं रे तहत आज प्रसार भारती रा दूरदर्शन केंद्र जयपुर परिसर माए स्वच्छ भारत अभियान रे तहत सफाई करी गई। इन दौरान केंद्र रा उप महानिदेशक और केंद्र अध्यक्ष सतीश देवपाल, अभियांत्रिकी निदेशक HP मीणा, समाचार प्रमुख मंजू मीणा, कार्यक्रम अधिशासी पवन कुमार सेठी समेत की कर्मचारी और अधिकारी मौजूद रिया। प्रसार भारती के आह्वान पर स्वच्छ भारत अभियान का विशेष अभियान हम लोग यहाँ पे आयोजित कर रहे हैं दूरदर्शन जयपुर में, और इसमें दूरदर्शन के अधिकारी और कर्मचारी सभी का आह्वान किया गया है और सभी प्रेरित होकर और सब उत्साह के साथ, उमंग के साथ सफाई अभियान में लगे हुए हैं। और ये विशेष अभियान 2 अक्टूबर 2022 से लेकर 31 अक्टूबर 2022 तक चलेगा और उसमें प्रतिदिन हम दूरदर्शन के विभिन्न विभिन्न भागों में सफाई अभियान जारी रखेंगे। शारदीय नवरात्रा रो आज 7वां दिन है। नवरात्र रा 7वें दिन मां कालरात्रि री पूजा अर्चना करी जा रही है। इन मौके देवी समेत दूजा मंदिरा माए विशेष धार्मिक आयोजन करिया जा रहा है, साथ ही मंदिरा माए विशेष सजावट करी गई है। दुर्गा सप्तमी के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन मां कालरात्रि की पूजा अर्चना की जाती है। कालरात्रि माता को सभी सिद्धियों की भी देवी कहा जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार विधि विधान के साथ मां कालरात्रि की पूजा करने से जीवन में आ रही सभी नकारात्मक ऊर्जाओं की समाप्ति हो जाती है। दुर्गा सप्तमी के दिन सुबह से ही झंडेवालान मंदिर में पूजा अर्चना करने के लिए भक्तों का तांता लगा हुआ है। जयपुर सू करीब 45 किलोमीटर दूरी माथे जोबने री ज्वाला माता मंदिर माए आंदीना नवरात्र श्रद्धा और भक्ति रे साथे मनाया जा रहा है। इन मौके बड़ी संख्या में भक्त ज्वाला माता रा दर्शन खातर पुगरिया है। नवरात्र रे मौके अठे के धार्मिक कार्यक्रम करिया जा रहा है।
नवरात्रि रे मौके जयपुर में टाबरा खातर डांडिया महोत्सव रखा जा रहा है। आयोजक सुनैना सोनी बताया कि डांडिया रे दौरान बाल गोपाल उछाव रे साथे डांडिया नाइट माए कार्यक्रम दीना। जयपुर में श्रीराम गो सेवा दल कानेसू लंबी बीमारी संग्रस्त गौवंश ने बचावा खातर प्रयास जारी है। दल कानेसू लंबी बीमारी संग्रसित गौवंश ने औषधीय लड्डू खिलाया जा रहा है। श्रीराम गो सेवा दल रासादा से बताया कि राजस्थान सहित दूजा राज्य में भी लंबी सू बचावा खातर औषधीय लड्डू बांटिया जा रहा है। 8-8 घंटे की शिफ्ट में, उसके अलावा हम लोग यहाँ पे पूरे टोटल राजस्थान में 1000 वॉलेंटियर श्रीराम गो सेवा दल के अंतर्गत काम कर रहे हैं। और इस दवाई में जो देसी दवाई हमारे द्वारा बनाई जा रही है, इसमें सनाए पत्ती, आंवला, मजीठा, काला जीरी, काली मिर्च, घी, गुड़ और विभिन्न प्रकार की औषधियाँ हम लोग इसमें चिरायते के साथ मिला रहे हैं ताकि गौ माता को इस रोग से बचाया जा सके। और अब आखिर में खास खबरें एक कर फेरू। पूरा देश में आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और पहले प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती मनाई जा रही है। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री समेत कई राजनेता बापू और शास्त्री जी ने श्रद्धांजलि दी। प्रदेश भर में विश्व अहिंसा दिवस रूप में गांधी जयंती मनाई जा रही है। जयपुर रा सवाई मानसिंह स्टेडियम में सर्वधर्म प्रार्थना सभा रखी गई। राज्यपाल और मुख्यमंत्री प्रदेशवासियों ने दी शुभकामनावां। जल शक्ति मंत्रालय कानीसू नई दिल्ली में स्वच्छ भारत दिवस समारोह रखो गयो। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण और जल जीवन मिशन में चोखा काम करबा वाला ने पुरस्कार दीना। राज्य सरकार महात्मा गांधी की जयंती माथे प्रदेशवासियों ने दी नई सौगात। शांति और अहिंसा महकमा रो करियो गठन। शारदीय नवरात्रा रो आ सातवो दिन देवी मां रा सातवा स्वरूप काल रात्रि री घरा और मंदिरा माए उपासना करी जा रही है। इंडे साथ ही समाचार रो यू बुलेटिन अठे ही पूरो भी हो। नमस्कार।